हूँ स्पेशली ये मटर पनीर की सब्जी। और हाँ, इसमें प्याज और लहसुन का बिल्कुल भी यूज नहीं किया गया है। आपको पता ही है प्याज की रेट्स कौन से आसमान में जा रही है। बस उसी को ध्यान में रखते हुए ये रेसिपी मैंने बनाई है आपके लिए। आप देखना, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और घर में बनाना बहुत ही सिंपल है इसे। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, आपको हाइब्रिड वाले टमाटर चाहिए, ना कि देसी टमाटर, क्योंकि हाइब्रिड वाले जो टमाटर होते हैं उसमें पानी कम होता है और मटेरियल ज़्यादा होता है और ये ज़्यादा खट्टे भी नहीं होते। अब मैं आपको इसके सारे इंग्रेडिएंट बताता हूँ। ये है हाइब्रिड वाले टमाटर जो मैंने 4 लिए हैं। फिर है हमारे पास पनीर जो कि मैंने क्यूब कट में काट रखा है और ये 200 ग्राम है। हम बना रहे हैं शुद्ध और शाकाहारी, तो हमने गार्लिक का यूज़ तो इसमें किया नहीं है, तो उसका अल्टरनेटिव हमने बनाया है जो है जिंजर और चिली का पेस्ट। ठंड का मौसम चल रहा है तो मटर तो बहुत ही अच्छे आ रहे होंगे, आप फ्रेश मटर का यूज़ करिए। फिर है चॉप किया हुआ कोरिएंडर और तड़के के लिए जीरा भी है हमारे पास। हम बना रहे हैं ये रेसिपी सिर्फ होम मेकर्स के लिए, तो घर में जो अवेलेबल होगा मसाले हम वही डालेंगे। हमने डाला है हल्दी पाउडर और ये है सॉल्ट पाउडर। सॉल्ट पाउडर यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर, ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर दे देगा आपके मटर पनीर को। फिर है सॉल्ट, कोरिएंडर पाउडर और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर। और अब हम जो तड़का लगाएंगे ग्रेवी में, उसका जीरा तो मैंने आपको पहले बता दिया था। फिर है तेज पत्ता, थोड़ी सी इलायची, थोड़ी सी लौंग और थोड़ी सी सिनेमम स्टिक। ये तो थे हमारी होम स्टाइल मटर पनीर के इंग्रेडिएंट्स। अब शुरू करते हैं इसे बनाना। मैं बनाऊंगा मटर पनीर मस्टर्ड ऑयल में। आप देसी घी में भी इसे बना सकते हैं, मगर एक सजेशन है मेरा, आप इसे बिल्कुल भी मत बनाना रिफाइंड ऑयल में, क्योंकि देसी डिश है तो फ्लेवर भी देसी ही आना चाहिए। खैर, मस्टर्ड ऑयल का तो आपको पता ही है कि वो कच्चा होता है, तो उसे पकाना पड़ता है, तो हम उसे पकाएंगे जब तक उसमें से धुआं नहीं निकले। फिर हम इसमें डालेंगे हमारा तड़का जो कि है जीरा और खड़े मसाले। अब हम इसमें डालेंगे हमारे हाइब्रिड वाले टमाटर जो कि हमने 1/2 करके काटे थे, और टमाटर को हम रोस्ट कर लेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट तक, ताकि इसकी स्किन आराम से निकल जाए और ये अच्छे से गल सकें। अब आप पूछेंगे टमाटर की स्किन निकालना इतना ज़रूरी क्यों है। बहुत ही सिंपल है, टमाटर की स्किन टमाटर के मटेरियल को उससे जोड़े रखती है, और वैसे भी ये स्किन ग्रेवी में गलती भी नहीं है और आपकी ग्रेवी को भी ख़राब कर देती है। और तो और होटल्स और रेस्टोरेंट्स में भी इसे स्पेसिफिकली छाना जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं टमाटर से स्किन बिल्कुल अलग हो गई है। अब हम एक एक करके जितना हो सके ये निकाल देंगे। टमाटर हमारे 70% तक गल गए हैं। अब हम सूखे मसाले डाल देते हैं ताकि हमें पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। हमने डाला है हल्दी पाउडर, ये है सॉल्ट पाउडर, ये ड्राई जिंजर पाउडर होता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं। फिर है सॉल्ट, कोरिएंडर पाउडर और रेड चिली पाउडर। अब हम इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स और इसे पका लेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक, ताकि हमारे टमाटर और अच्छे से गल सकें। फ्लेम को भले ही आप हाई पे रख लीजिए, टमाटर नीचे नहीं लगेंगे, क्योंकि टमाटर के अंदर एक एसिड होता है जिसका नाम है सिट्रिक, वो टमाटर के और पैन के बीच में एक लेयर बना देता है। साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट का अल्टरनेटिव जो है चिली और जिंजर का पेस्ट, और उसके साथ साथ मटर और पनीर भी डालेंगे जो हमने क्यूब साइज में काट रखा है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढक के पकाएंगे 7 से 8 मिनट तक, ताकि हमारी ग्रेवी और पनीर अच्छे से पक सके। 7 से 8 मिनट पकने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ चुका है, इसका मतलब ग्रेवी भी रेडी हो गई है और हमारे पनीर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा फ्रेश क्रीम, अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो घर में रखी मलाई को भी इसमें डाल सकते हैं। गार्निश आप कर लीजिए थोड़े से फ्रेश कोरिएंडर की, और रेडी है आपका बिना प्याज बिना लहसुन का होम स्टाइल मटर पनीर। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, और अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं फेसबुक पे
तो मेरे पेज द एरोमेटिक लाइफ पे भी जाके उसे एक बार देखें और उसे लाइक ज़रूर करें।